सभी भाई बहनों को जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आप सबका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। हम सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी इजराइल के दूसरे सबसे बड़े राजा दाऊद के विषय में है। हम दाऊद के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वह परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति था। शाऊल के बाद हम पहली बार दाऊद से मिलते हैं। शाऊल को लोगों के आग्रह से राजा बनाया जाता है, परंतु शाऊल राजा के रूप में परमेश्वर द्वारा ठहराए गए मापदंड को पूरा नहीं करता है। जब राजा शाऊल एक के बाद दूसरी गलती करते चले जा रहा था, तब परमेश्वर शमूएल नबी को उसके द्वारा चुने हुए एक व्यक्ति के पास भेजता है जिसका नाम दाऊद था। वो एक चरवाहे का काम करता था। माना जाता है कि जब वह इसराइल का राजा बना, तब दाऊद की आयु 12 से 16 वर्षों की रही होगी। वह यिशै के पुत्रों में सबसे छोटा था और राजा बनाए जाने के लिए एक असंभव था। शमूएल ने सोचा कि दाऊद का सबसे बड़ा भाई एलीआब निश्चित रूप से अभिषिक्त किया हुआ है, परंतु परमेश्वर ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यिशै के सातों पुत्र शमूएल के सामने से निकल गए, परंतु परमेश्वर ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना। शमूएल ने पूछा कि क्या यिशै के और भी कोई पुत्र हैं? सबसे कम आयु का पुत्र भेड़ चरा रहा था, इसलिए उन्होंने उस लड़के को बुलाया और शमूएल ने तेल से दाऊद का अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। आमीन, हालेलुया। दाऊद एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। बाइबल बताती है कि वह परमेश्वर से तीन समय प्रार्थना करता था। आगे हम दाऊद की प्रार्थनाओं को देखें कि वह किन किन शब्दों से परमेश्वर को महिमा देता था। उसकी पहली प्रार्थना का वर्णन 2 शमूएल 7:18 में आती है। ये उस समय की प्रार्थना है जब राजा अपने भवन में रहता और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया। तब दाऊद यहोवा के मंदिर में जाकर यहोवा से इस प्रकार से प्रार्थना करता है, जहां इस प्रकार से लिखा है, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, मैं क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है? परंतु तो भी हे प्रभु यहोवा, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे प्रभु यहोवा, ये तो मनुष्य का नियम है, दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है, तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। इस कारण हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं और न तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इसराइल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि वह अपना नाम करे और तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करे। और तू अपनी प्रजा के सामने जिसे तूने मिस्री आदि जाति जाति के लोगों और उनके देवताओं से छुड़ा लिया, अपने देश के लिए भयानक काम करे। और तूने अपनी प्रजा इसराइल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया। और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर है। अब हे यहोवा परमेश्वर, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है उसे सदा के लिए स्थिर कर और अपने कहने के अनुसार ही कर, और यह कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करें, कि सेनाओं का यहोवा इसराइल के ऊपर परमेश्वर है और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल रहे, क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा, हे इसराइल के परमेश्वर, तूने ये कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण तेरे दास को तुझसे ये प्रार्थना करने का हियाव हुआ है। और अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य हैं,
और तूने अपने दास को ये भलाई करने का वचन दिया है। तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है और तेरे दास का अग्राना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। आमीन। इस प्रकार से दाऊद ने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। आगे हम राजा दाऊद की दूसरी प्रार्थना एक इतिहास 16 अध्याय के 16 वचन में देखते हैं, जहां पर परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और दाऊद ने परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका था, तब उसने यहोवा के नाम से अपनी सारी प्रजा को आशीर्वाद दिया था, और उसने क्या पुरुष क्या स्त्री सब इसराइलियों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करें और इसराइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। तब राजा दाऊद ने यहोवा परमेश्वर की महिमा की और उसकी धन्यवाद सहित प्रार्थना की, जो कि एक सामर्थी प्रार्थना थी। दाऊद ने अपनी प्रजा के सामने यहोवा परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना की, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म उसके चमत्कार और न्यायवचन स्मरण करो। हे उसके दास इसराइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं, उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। ये वही वचन है जो उसने हजार पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इसराइल के लिए सदा की वाचा बांध कर यह कहकर दृढ़ किया कि मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे, और वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे में फिरते तो रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त ही धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ्य और आनंद है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ, जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं, आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति में लोग कहें कि यहोवा राजा हुआ है। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है सो प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, कहो कि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। ये कहो कि हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बड़ाई करें। अनादिकाल से अनंत काल तक इसराइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब सब प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। तब उसने वहां अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाप और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करें। वर्सर भाइयों समेत ओबेदेदोम को और द्वारपालों के लिए यदूतून के पुत्र ओबेदेदोम और होसा को छोड़ दिया। फिर उसने सादोक याजक और उसके भाई याजकों को यहोवा के निवास के सामने जो गिबोन के ऊंचे स्थान में था ठहरा दिया,
कि वे नित्य सवेरे और सांझ को होमबलि की वेदी पर यहोवा को होमबलि चढ़ाया करें और उन सब के अनुसार किया करें जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा है, जिसे उसने इसराइल को दिया था। और उनके संग उसने हेमान और यदूतून और दूसरों को भी जो नाम लेकर चुने गए थे ठहरा दिया कि यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करें। और उनके संग उसने हेमान और यदूतून को बजाने वालों के लिए तुरहियां और झांझे और परमेश्वर के गीत गाने के लिए बाजे दिए और यदूतून के बेटों को फाटक की रखवाली करने को ठहरा दिया। निदान प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए और दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने लौट गया। हालेलुया, सबको जय मसीह की।